अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बॉडी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट के टॉपिक के ऊपर है और चैप्टर ये आपका है एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इसी टॉपिक में ना एसिड बेस को भी हम शामिल कर लेते हैं। सब्सटेंस होते हैं कि जो डिसोसिएट करे एक्वस सोल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और उसमें खूबी होती है कि वो क्या बनाता होता है, आयंस बनाता होता है। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, क्योंकि आयंस बन रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये उन सब्सटेंस को भी कहते हैं कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने देते हैं। ठीक है, तो ये आपने साइड पे नोट कर लें स्क्रीनशॉट के साथ कि ये ऐसे सब्सटेंस होंगे कि जो क्या करेंगे, अपने अंदर से करंट को भी गुजरने देंगे। लेकिन जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये होती है कि ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट होते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, टू मेक आयंस। आयंस होंगे तो करंट भी पास हो सकेगा। नेक्स्ट, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप है बड़ी तीन। एसिड जो क्या करता होता है, एच पॉजिटिव आयन डोनेट करते होते हैं। बेस जो के एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते होते हैं। ये हमने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स, एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, हमने यानी कि आर्किमिडीज कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री होती है, यानी कि जो हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में स्टडी जहाँ पे करते हैं ना, जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनके केस में ना जो कॉन्सेप्ट लगता है वो होता है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो भी कौन से कॉन्सेप्ट की है, बड़ी ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की है बड़ी, कि ये एच पॉजिटिव देता है और बेस क्या करता है, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। कि लिविंग थिंग में ये वाला जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। फिर सॉल्ट क्या होता है कि इन दोनों की जो रिएक्शन जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। या फिर ये भी हो सकती है ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक एसिड का पार्ट हो और एक बेस का पार्ट हो, और जब वो डिसोसिएट होगा तो एसिड और बेस रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन मैंने लिखा है इसी के साथ मिलता हुआ कि ये एसिड एपरा, सबको पता है एसिटिक एसिड, अब ये क्या देगा, अपना हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, और ये अमोनिया है, ये बेस है, और ये अगर सकता है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। रिएक्शन होगा और उसके साथ क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकल के किधर आ जाएगा, इस अमोनिया के पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, और ये आगे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, कौन सा, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो इसको पानी में हल करेंगे ये भी दो आयंस बनाएगा, इसको पानी में हल करेंगे तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और पानी के अंदर आयंस बन जाएंगे, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और ये भी पानी में हल करेंगे तो क्या होगा, एक एसीटेट आयन बनेगा और एक अमोनियम आयन। नेक्स्ट, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की दो टाइप्स हैं बड़ी। अब वैसे तो आपने पढ़ी हुई होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन लिविंग थिंग जो होती है इसमें यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से एक और डेफिनेशन बनेगी, एक और क्लासिफिकेशन का तरीका होगा इलेक्ट्रोलाइट्स की, और वो है बड़ी इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि यहाँ पे हम सेल को एज ए सिस्टम स्टडी कर रहे होंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम या केमिकल सिस्टम के तौर पे, तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, तो ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे कि जो सेल के इनसाइड हुआ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेशियम आयन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द आउटसाइड द सेल, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, वो उनमें एग्जांपल अगर देखेंगे तो किसकी बनेगी, सोडियम आयन की। नेक्स्ट, फिर हम बॉडी फ्लूइड्स के टॉपिक देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बड़े, क्योंकि ये डिसॉल्व फॉर्म में काम करते होते हैं, तो फिर ये किसी फ्लूइड में काम करेंगे। अगर फ्लूइड में काम करेंगे तो फिर हम बॉडी के फ्लूइड्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे, भाई कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स हैं बड़े, जो कि किसका सोर्स है बड़े, इलेक्ट्रोलाइट्स का सोर्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है का सोर्स है वो क्या है, ब्लड है।
सेकंड मिल्क किस टाइप के होते हैं, कुछ सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, स्वेट होता है और यूरिन होता है। ये सब क्या करेंगे, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेंगे, यानी कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की शॉर्टेज है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कम रिलीज होंगे। अब ब्लड को देखते हैं ये किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस साइड पे मैंने डायग्राम एक दिखाई है, इसमें ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ना सेंट्रीफ्यूज किया ब्लड को, तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सबसे नीचे क्या आ जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे उसमें, क्योंकि वो हैवी पार्ट होते हैं। उससे ऊपर ये एक थिन सी लाइन आ रही है और इसमें क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे और प्लेटलेट्स होंगे, उनकी परसेंटेज भी बताई हुई है कि 41% तकरीबन हो सकते हैं और ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है पोर्शन, 4%। और बाकी ये जो सारा एरिया है पड़ा जो ब्राउन कलर से शो हो रहा है, इसमें क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा होगा, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा क्या होगा, ये सारा वाटर होगा ब्लड का और इसमें क्या होंगे, सारे डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो मेन अगर हम देखें तो ब्लड की कंपोजिशन में सबसे ज्यादा अमाउंट प्लाज्मा की है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स का सोर्स है। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन को एक्सप्लेन किया कि इसका मेन कंपोनेंट वाटर होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर्स होती हैं, ग्लूकोज हो गया, फैट्स होती हैं और या प्रोटीन्स होती हैं। इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में सारे आयंस आ जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जितने भी आयंस हैं बड़े सारे आ जाएंगे। और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या होगा कि हमें पता है उनके ऊपर भी चार्ज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी क्या होंगे, आयंस बना सकते हैं। और सॉल्ट्स क्या होते हैं कि वो जो सॉल्ट्स जो हम खाते हैं वही बॉडी में जाके अपने आयंस में टूट जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये दो क्या जनरेट करेगा, आयंस जनरेट करेगा, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। इसमें डिजॉल्व्ड गैसेस भी होती हैं, O2 और CO2, ये भी बॉडी में क्या करेंगी, एसिड बेस के सिस्टम को मेंटेन रखेंगी, कि जैसे CO2 जो है ये क्या करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, एसिडिटी को बढ़ाएगी। इट ऑल्सो कंटेन्स मेटाबॉलिक वेस्ट, कि उसमें कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, तो ये भी बॉडी में क्या करेगा, एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करेगा, क्योंकि यूरिया बेसिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी फ्लूइड की एग्जांपल है अपनी मिल्क। मिल्क क्या होता है कि ये वाटर इसमें जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कि हम यहाँ पे इनकी कंपोजिशंस देख रहे हैं, तो वाटर इसके इसका क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। कंसंट्रेशन होती है इसमें वाटर की कितनी, 83% से लेके 87% होती है, यानी कि मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर। रिमेनिंग 13 से 17% जो होता है वो किस चीज से बना होता है, सॉलिड्स का, ठीक है। सॉलिड्स का मतलब कि इसमें प्रोटीन्स के वो बड़े बड़े चंक्स हो सकते हैं, बड़े का मतलब ये कि भाई वो माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आएंगे, ठीक है, यानी कि आम आंख से नजर नहीं आएंगे, डिस्पर्स्ड फॉर्म में हम बड़ा। कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंपोजिशन की एक चार्ट लिखा हुआ है कि मिल्क में क्या क्या होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं उसमें कौन से होते हैं, लैक्टोज जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, उसमें ग्लूकोज यानी कि काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है ब्लड ये मिल्क में। और नेक्स्ट क्या है कि इसका फायदा क्या होता है कि इसके अंदर ना गैलेक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसके लिए होता है, इन्फेंट्स के लिए, कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो गैलेक्टोज को ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और मेटाबोलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से लिपिड होते हैं, उनके नाम मैंने मेंशन कर दिए, स्टेरिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लॉरिक एसिड, ब्यूटारिक, ये सारे क्या हैं, बड़े सैचुरेटेड एसिड्स हैं। और एक ये मैंने लास्ट में अनसैचुरेटेड मेंशन कर दिया, ओलिक एसिड। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन दूध के अंदर जो होती है ये होती है कैसिन। कैसिन प्रोटीन जो है ये कितनी होती है, 80%, यानी कि ये जो यहाँ पे 13 से 17% सॉलिड्स है ना, उसमें से अगर प्रोटीन्स को देखा जाएगा, भाई टोटल प्रोटीन्स जो हैं, उन टोटल प्रोटीन्स का 80% जो है वो कैसिन होती है और 20% क्या होती है, वे प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये दो प्रोटीन्स ब्लड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर फिर क्या हो सकती है, लैक्टो एल्ब्यूमिन हो सकती है और कुछ एंजाइम हो सकते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाते हैं।
और साथ ही होते हैं अम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकते हैं, यानी कि इम्यूनिटी की जो होती हैं साथ प्रोटीन्स। वाइटामिन्स होते हैं, वाइटामिन्स तकरीबन सारे होते हैं इसमें ना, यानी कि वाइटामिन्स जो जैसे कि ए डी ई और के, ये जो है हमारे पास फैट सॉल्युबल हैं, इनकी भी अच्छी अमाउंट हो जाती है, और दूसरे जो है हमारे पास वाटर सॉल्युबल बी और सी। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू होगा और वो क्या होगा, ब्लड के अंदर वाइटामिन सी नहीं होगा। ठीक है, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं हमें पता है, मिल्क सबसे बेस्ट सोर्स होता है कैल्शियम का। कैल्शियम और किसकी फॉर्म में होती है, कैल्शियम कैसीनेट की फॉर्म में होती है। आगे एक वर्ड लिखा है माइसिली। माइसिली क्या होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में मेंशन किया था सॉलिड्स, ये कैल्शियम कैसीनेट जो होता है ये क्या करता है, लिपिड्स के साथ कंबाइन होके और एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा होता है, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल तो हैं पहले से, ये प्रोटीन और कैल्शियम जब जुड़े ये पहले से मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसके साथ जुड़ के ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, और गोल सा गोल टुकड़े छोटे यानी कि पार्टिकल्स बनते हैं, उन पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते होते हैं, माइसेली बोलते होते हैं। ये लिपिड वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि माइसेली क्या होता है, वहां पे आप उस लेक्चर में देख सकते हैं, तो उसका मैं लिंक यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं कि माइसेली का मतलब क्या होता है, ये गोल अरेंजमेंट होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। तो कैल्शियम कैल्शियम कैसीनेट की फॉर्म में मौजूद होता है वहां पे, और इसी वजह से जो मिल्क होता है उसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो वाटर है ना, और उसमें जो व्हाइट कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, कैल्शियम कैसीनेट की वजह से होता है। मैग्नीशियम हो सकती है, इसके अलावा फास्फोरस हो सकती है, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन हो सकती है, और अगर उसमें आयरन और कॉपर की बात करें तो जो ब्लड ये जो है हमारे पास मिल्क है ये पुअर सोर्स होता है, इसमें आयरन की कमी होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा एड्स के अंदर अमूमन दिखा रहे होते हैं कि ये जो फोर्टिफाइड मिल्क होते हैं जिसमें यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि आयरन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, क्योंकि जो मिल्क है उसमें नॉर्मल केस में क्या होता है, आयरन नहीं होता, या अगर होता भी है तो बहुत कम अमाउंट में होता है। मिल्क की यहाँ पे मैंने क्या बताई है कि इसकी कैलोरिक वैल्यू कितनी होती है, कैलोरिक वैल्यू कितनी होगी इसकी, 100 ml ऑफ मिल्क जो होगा कैन प्रोवाइड अबाउट 70 to 95 कैलोरीज, यानी कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि पर 100 ml सर्विंग अगर होगी मिल्क की तो उसमें 70 से 95 क्या होंगी, कैलोरीज होंगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक न्यू आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यहाँ पे। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन की है कि फ्लूइड होता है ये क्लियर यानी कि ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड होता है, कि जो कहाँ पे होता है, कैविटीज ऑफ ब्रेन में होता है, ब्रेन के इर्द की जो कैविटीज होती हैं उसमें क्या होता है ये मौजूद होता है। अब उन कैविटीज में जो ये मौजूद होगा उसका काम क्या होगा, ये बनता कैसे है, ओरिजिनेट होता है टोरॉइड प्लेक्सस, ये एक एरिया का नाम है, रिटर्न होता है कहाँ पे, ब्लड थ्रू एराकोनॉइड विलाई, ये दोनों स्ट्रक्चर्स का नाम है, यानी कि यहाँ से वो फिल्टर होता है ब्लड में से, यानी कि इसके बनने का तरीका होता है कि ये जो ब्लड है वो पहले कैपिलरीज से जब फिल्टर आउट हो के बाहर निकलता है वो लिम्फ बन जाता है, और अगर उसको भी हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट कर लें तो फिर उससे क्या निकलता है, ये एराकोनॉइड प्लेक्सिस क्या करती है उसको अल्ट्रा फिल्टर करके क्या बना देती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और फिर उसमें क्या होता है वो एराकोनॉइड विलाई से वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे लिम्फ एब्जॉर्ब हो जाता है वैसे ये भी हो जाता है। अबाउट 500 ml ऑफ CSF जो है इज फॉर्म्ड एवरी डे। ठीक है, ये रोज का इतना बनता है, हाउएवर एट एनी टाइम ये क्या होता है, कितना 120 से लेके 150 ml तक मौजूद होता है, यानी कि ब्रेन के इर्द गिर्द और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द 120 से 150 ml तक टोटल होता है बॉडी के अंदर, और एक दिन में कितना बनता होता है, ये 500 ml बनता होता है, तो इसका मतलब बन ज्यादा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रही है उसकी टोटल अमाउंट कम है। तो फिर उसके लिए एक और पॉइंट यहाँ मेंशन किया है कि ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो कम्प्लीटली रिप्लेस होता है 3 times a day। ठीक है, कि मिसाल तौर पर अगर हम 150 का क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 450 बन रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सारा दिन में क्या होगा, दोबारा दोबारा रिसाइकल होता रहेगा, क्योंकि ये ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद है।
अगर ये थोड़ी देर के लिए इसमें यानी कि कोई भी इम्प्योरिटी आ गई या कोई टॉक्सिक केमिकल्स आ जाएं तो उनको रिमूव करना जरूरी है। इसलिए क्या होगा, ये बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा, बार बार रिप्लेस हो रहा होगा। और इवन एक दिन के अंदर कितनी बार करते हैं इसको, 3 बार बॉडी रिप्लेस कर देती है। ठीक है, जैसे इसका एवरेज वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये 500 ml रोज तकरीबन बनता है और दोबारा खत्म होता है। अच्छा, नेक्स्ट है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन। ये सर्व करता है एज ए हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, कि अगर ब्रेन के इर्द गिर्द ये लिक्विड होता है और अगर ब्रेन पे कोई इनके हेड पे कोई हीट लग जाए सर पे, तो हीट लगने से क्या होता है, वो जो ब्रेन है वो अंदर हड्डियों से नहीं टकराता, जो यानी कि हमारी क्रेनियम है या जिसको स्कल कहते हैं, स्कल के साथ नहीं टकराता, बल्कि वो जो फ्लूइड है उसको क्या करता है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। इट कैन डिफ्यूज द फोर्स, की जो भी मैंने मेंशन की बात की, ये जो फोर्स अप्लाई करें अगर यानी कि सर पे बहुत ज्यादा जोरदार हीट लग जाए, तो क्या होता है, ये इस फोर्स को डिफ्यूज कर देता है लिक्विड में, हर तरफ क्या होता है, डायरेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर फोर्स नहीं लगती और ब्रेन डैमेज नहीं होता। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ इंटर क्रेनियल प्रेशर, क्रेनियल प्रेशर को भी मेंटेन करता है, कि जो यानी कि इसके ऊपर ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा उसको भी मेंटेन रखेगा। ठीक है, इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल के अंदर, क्रेनियल किसको बोलते होते हैं, जो हमारी ये जिसको स्कल कहेंगे या खोपड़ी कह सकते हैं, उसके अंदर क्या करेगा, ये प्रेशर को मेंटेन रखेगा। इट इज बिलीव दैट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन्फ्लुएंसेस द हंगर सेंसेशन एंड ईटिंग बिहेवियर्स, के ये इनको भी कंट्रोल करता है, कि अगर हमें भूख लग रही होती है तो उसकी रीजन भी यही होती है कि ये वहां से क्या करेगा, इस तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन को जो बाहर वाला एरिया जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मौजूद होगी, उन एरियाज को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक था हमारा इसके बारे में कि हम इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के स्टडी कर रहे थे, तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बड़े। अब सबसे नंबर वन पे इसमें क्या होता है, प्रोटीन की अमाउंट लिखी हुई है कितनी है बड़ी, 15 से लेके 45 mg/dL। ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो होती है 8:1 की। ठीक है, यानी कि इसमें एल्ब्यूमिन की काफी ज्यादा अमाउंट है बड़ी। ग्लूकोज, फिर ये अभी यहां तक जो देख रहे हैं, प्रोटीन्स भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे क्या स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ये क्लोराइड आयन हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम, और ये उनके आगे क्या लिखी हुई है, अमाउंट लिखी हुई है कि कितनी अमाउंट में हो सकता है ये अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट है अपना स्वेट। स्वेट क्या होता है कि हमें पता है जो पसीना हमारी बॉडी से निकल रहा होता है, कंपोनेंट इसका जो मेन होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, ये जो हमारे पास चार, ये जो पांच लिखे हुए हैं, यही सबसे क्या है बड़े, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बड़े। इसके अलावा वो जो बायकार्बोनेट वगैरह हो सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बायकार्बोनेट सिस्टम के बारे में। इट ऑल्सो कंटेन सम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि पर्सन से पर्सन वेरी करते हैं। इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से क्या होता है, हर किसी के पसीने की डिफरेंट स्मेल होगी, और आपने देखो वो जो डॉग्स होते हैं वो स्मेल से अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा पर्सन है, वो इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कर लेते हैं, वो स्मेल करके पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इट मे ऑल्सो कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, ये भी क्या करेगा, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगा, कि जब एक्स्ट्रा होंगे ये चीजें तो क्या होगा, स्वेटिंग के जरिए ये भी बाहर रिमूव हो सकता है, ये भी रिमूव हो सकता है और ये भी रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट है यूरिन, इसका भी मेन कंपोनेंट वाटर होता है एज ए सॉल्वेंट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये सारे, और कंटेन करता है इसमें कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, कि अगर बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए तो फिर वो यूरिन के जरिए क्या होता है, रिमूव हो जाता है ग्लूकोज, फिल्टर्ड आउट होके। इट ऑल्सो कंटेन्स मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, कैरनिटीन और बिलरुबिन, यूरिक एसिड। यूरिया मेन कंपोनेंट होता है और बाकी ये जो है ये प्रोटीन्स के क्या हैं पड़े, जो मेटाबॉलिज्म के बाद की चीजें बचती हैं वो ये हैं पड़े, और यूरिक एसिड भी क्या होता है, ये यूरिया के साथ के ही एक डेरिवेटिव। होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है पर तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या लेक्चर डिस्कशन में भी पूछ सकते हैं।